अंदर की आत्मा चित्रकारी में बसती है और चित्रकारी से इसे दूर करके आप इसकी आत्मा छीन रही है, फिर भला ये जीवित कैसे रह पाएगा? तुम्हारे दिल की बात आज बाहर आ गई, अब अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे ओ कैसे हैं हवालदार जी? कुलकर्णी सरकार, आप यहां कैसे आना हुआ? मुझे लगा था कि आप यह कानून की रक्षा करने के लिए आए हैं, लेकिन आज तो मुझे आपसे कानून को बचाने के लिए आना पड़ा हवालदार जी। आप कहना क्या चाहते? अब इतने मासूम भी मत बनिए गणपत जी, आपकी पोल खुल चुकी है। आप और आपका वो रिश्तेदार सुशील शिरडी में क्या गोल खिला रहे हैं ये सबको पता चल चुका है। अरे क्या पता चल गया? यही, आप अपनी वर्दी का रोब दिखाकर शिरडी के दुकानदारों से मुफ्त का सामान लेकर अपना घर भर रहे हैं। ये क्या बकवास है, झूठ बोल रहे हैं आप। ये सच है हवालदार जी, ये सच है, और इसके गवाह ये दुकानदार है, देखिए, जिनसे आपके उस सुशील ने आपके वर्दी का रोब दिखाकर बिना पैसे दिए सामान उठाया था। और आपके सुशील ने जो सामान उठाया है उसकी सूची हमारे पास है, संता दिखाओ इन्हें। लीजिए देखो। क्या ये सच है? जी गणपत जी, सुशील जी ने कहा है कि पुलिस वाले और उनके रिश्तेदार पैसे नहीं देते। सुन लिया? इससे यह सिद्ध होता है कि तुम दोनों की ये मिलीभगत है। मेरा यकीन कीजिए सरकार, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि सुशील ने ऐसा कुछ किया है। हरिओम हरिओम, बिल्कुल आप जैसी स्थिति थी उस दिन मेरी हवालदार जी, जिस दिन मैं आपको बता रहा था कि मेरे मुनीम के करतूतों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आपके लिए मुझ पर विश्वास करना कठिन हो रहा था, है ना? हरिओम हरिओम, तब भी तो आप अभी भी मेरी जांच कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम आप पर विश्वास करें। आप लोग तो मुझ पर भरोसा करते हैं ना? कल मेरी पत्नी ने आप लोगों से जो खरीदारी की उसके पैसे तो उसने दिए ना? हाँ ये सच है, और तो और घर तक पहुंचाने के एवज में उन्होंने बख्शीश भी दी। जी हाँ, गणपत जी ने मेरे दुकान से जलेबियां खरीद कर वहां खेल रहे बच्चों में बांट दी थी, एक पैसा भी कम नहीं दिया था हवालदार साहब ने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सुशील इस तरह मेरे पद का दुरुपयोग कर रहा है। चलो मान लिया कि आपको पता नहीं था उसके करतूतों के बारे में, सुशील ने आपके जानकारी में ना सही, लेकिन किया तो अपराध है। कुछ नहीं करेंगे उसके लिए आप? मुझ पर भरोसा रखिए सरकार, उसे उसके करनी की सजा मिलेगी, उसे जुर्माना भरना होगा। देर किस बात की, चलिए पावती फाड़िए और दीजिए जाकर उसे।
ये लीजिए सामान के पैसे, जिसका जितना बनता है दे दीजिए। चलते हैं सरकार। अरे ओ सरकार, आपकी योजना तो बेकार गई। आप गणपत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो तो साफ साफ बच के निकल गया। मोर खत्म, गधा कहीं का। मेरी योजना ने वैसे ही काम किया जैसा मैं चाहता था। मैं जब खेलता हूं तो दूर से और दूर तक खेलता हूं संता, ये तो मेरी पहली चाल थी। आगे आगे देखो होता है क्या। हरिओम। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। कैलाश, आज तुम काम पे नहीं गए? कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है साईं। फिर द्वारका माई क्यों नहीं आए? बस आने ही वाला था साईं। आ जाना थोड़ी देर बाद। सुप्रिया साईं। राम जी भला करें। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है अब? आपकी दी हुई उदी पिलाई साईं, अब ठीक है वो। भिक्षाम देही। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आहो, आप जल्दी आ गए। सुशील, सुशील कुमार, क्या हुआ भाऊ? सुशील, तुमने दुकानदारों से सामान बिना पैसे दिए लिया? किसने कहा आपसे? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? भाऊ, कल्याण में मेरा एक दोस्त हवलदार है, उसके परिवार वाले जब भी बाजार से कुछ लेते हैं तो उसका पैसा ही नहीं देते, इसलिए मुझे लगा कि ये तो दस्तूर है पुलिस वालों का। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे लिए ऐसी सोच रखते हुए? मैंने आज तक ऐसा एक भी पैसा नहीं लिया जो मेरा ना हो। मुझे और मेरे परिवार को पैसे दे के सामान खरीदने की आदत है। तुम्हारी इस ओछी हरकत के कारण आज मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। भाव, आप बात का बतंगर क्यों बना रहे हैं? जो हो गया सो हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? ठीक है से क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने जो किया वो अपराध है। माफ कर दीजिए जीजाजी, गलती हो गई इनसे। आप कुछ भी करके ये इल्जाम इन पर से हटवा दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। दुकानदारों के पैसे मैंने चुकता कर दिए। पर सुशील को सच्चे मन से उन दुकानदारों से माफी मांगनी होगी। बस भाऊ बस, आप बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप जो बोलेंगे वो मैं सुनूंगा। क्या वो सामान मैंने खुद के लिए लिया था? इस परिवार के लिए लिया था। परिवार कहते हैं ना आप हमें? परिवार को बचाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। सुशील, परिवार अपनी जगह होता है और काम अपनी, और परिवार वाले एक दूसरे का ऐसे फायदा नहीं उठाते। ऐसा कौन सा फायदा उठा लिया मैंने? तुम बीच में मत आओ गोमती, मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं। इनको जो करना है वो कर लें।
तो ठीक है, जबरन वसूली करने के आरोप में तुम पर जुर्माना लगाऊंगा और तुम्हें वो जुर्माना भरना पड़ेगा, पूरे 36 रुपए। जीजा जी, रहम कीजिए, हम इतने पैसे कैसे देंगे? मैं सिर्फ वो पैसे ले रहा हूं जो जुर्माने के हैं, वो नहीं जो मैंने दुकानदारों को चुकता किए। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो सुशील से कहो कि उन दुकानदारों से माफी मांगे। कभी नहीं। ये लो जुर्माना। तुम बहुत कहती थी ना ताई के पास चलना है, देखो तुम्हारे जीजा जी ने मुझे मुजरिम बना दिया, अब मुझे यहां एक पल भी नहीं रहना है। सामान बांध लो, हम अभी के अभी यहां से निकलेंगे। रुको सुशील, ये लो जुर्माने की रसीद, इसकी एक प्रति मेरे पास है, सबूत के तौर पर कि तुमने जुर्माना भर दिया है। मिल गई तसल्ली, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक मेरी बेइज्जती करा के। कहा था शिरडी जाने का कोई फायदा नहीं, घर आए हुए मेहमान से कोई ऐसे पेश आता है क्या? और अगर मेहमान से गलती हो भी जाए तो उसे संभाला जाता है, उसे माफ किया जाता है, ना कि कोई ऐसी खरी खोटी सुनाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। बिल्कुल सही कहा। ये कुलकर्णी सरकार है इस गांव के मुखिया, तो और गांव के मुखिया हैं ये। हरिओम हरिओम। बड़ी जल्दी जा रहे हो शिरडी से? इतनी बातें सुनकर यहां रहने का मन नहीं है। पता है मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ, इसलिए मैं चकित हूं कि तुम गांव छोड़कर जा रहे हो। यहां रहकर हम करेंगे भी क्या? अपने अपमान का प्रतिशोध लेने की इच्छा नहीं है तुम्हारे मन में? लेकिन गलती तो इन्हीं की थी ना। अरे ओ, एक ही है जो सब सही करे और वो है भगवान। हम इंसान हैं, इंसानों से छूट भूल होगी ही, सुशील से भी हुई। बात तब बिगड़ती जब दुकानदारों को पैसे नहीं मिलते। पैसे तो मिल गए तो फिर ये आर्थिक दंड क्यों? बोलो सच कहो गणपत, तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था और तुम उसके बुने जाल में बिल्कुल फंस गए। सब कुछ तो खो दिया तुमने, मान सम्मान खो दिया, परिवार खो दिया, सिर से छत गई, 36 रुपए गए, क्या बचा तुम्हारे पास? और बताओ उसने क्या खोया? कुछ नहीं। आप सही कह रहे हैं, ऐसे तो गणपत भाऊ अपराधियों को सुधारने की बात करते हैं। हाँ? उन्हें एक मौका देने की बात करते हैं, लेकिन जब बात मेरी आई तो उन्हें कानून याद आ गया, अपना फर्ज याद आ गया। हरिओम हरिओम, वही तो मैं कहना चाहता हूँ, कितनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हो तुम उसे? लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? तुम्हारे पास वो रसीद है ना जो गणपत ने तुम्हें दी थी? जी हाँ।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सुशील कुमार जी ऐसे होंगे। आपने तो उनकी मदद करने की कोशिश की, उनके लिए अपनी नौकरी तक ना छोड़ने का फैसला किया, अपने शौक की कुर्बानी दी। असल में पाया, मैं भी यही सोच रहा था। आज एक लड़के को उसकी कला के प्रति उसका जुनून देखकर मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने आप को कितना बड़ा धोखा दे रहा हूं। अपने दिल की पुकार को और नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं, इसीलिए अब मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा। मुझे तत्काल ही अपनी नौकरी छोड़नी होगी भैया। आपका दिल जो कहे वही कीजिए। मैं तो आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, आपका जो भी फैसला होगा मैं उसका समर्थन करूंगी, हर मोड़ पर आपका साथ दूंगी। भैया, आज तक इस पे मैंने सिर्फ अपने गीत लिखे, लेकिन आज रात मैं अपना इस्तीफा लिखूंगा इसमें, और कल सुबह होते ही कल्याण जाकर चांदोरकर साहब को अपना इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना इस्तीफा साई बाबा को दिखाऊंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा, उन्हें बताऊंगा कि अब से उनका गनू सिर्फ उनका ही काम आनेगा। प्रणाम सर। प्रणाम सही। राम जी भला करें। क्या बात है, आज बाजार बंद है? साईं, बढ़े हुए कर ने हमारे रोजी रोजगार को चौपट कर दिया था। सब्जी वाले से लेकर सुनार तक हर कोई अपना सिर पीट रहा था। फिर हवलदार जी आए और उन्होंने सब ठीक कर दिया। गणपत जी का तो शुक्रिया कर दिया हमने, लेकिन उन्हें यहां लाने वाले तो आप ही थे ना। आपके कारण ही हमें इतने ईमानदार हवलदार जी मिले। आपका आभार प्रकट करने के लिए हम सब व्यापारी यहां आए। अगला जो भी भंडारा होगा द्वारका माई में, उसके लिए ये छोटी सी भेंट है। गणपत से मैंने आपकी मदद करने के लिए नहीं कहा था, उसने तो अपना कर्तव्य निभाया, वो भी सच्चे दिल से। हाँ साईं, हवलदार जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो जिस सच्चाई से गाते हैं उसी सच्चाई से अपना काम भी करते हैं हवलदार जी। उसे आप गणपत कह सकते हैं, पेशे से अभी वो हवलदार जरूर है, पर उसकी ये पहचान ज्यादा दिनों तक रहे ये जरूरी नहीं। हम समझे नहीं, उसकी ये पहचान क्यों बदलेगी? सरकारी नौकरी है तो वो छोड़ेंगे नहीं, कहीं कहीं उन पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली साई? अल्लाह मालिक। साई के क्या है कौन जान पाए। इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले साई बाबा की कही ईश्वर स्तुति पूरी करूंगा। गणपत, इसलिए साहब आप यहां शिरडी में ऐसे अचानक? साहब मुझे बोल दिया था मैं लेने आ जाता आपको। क्या बात है साहब, परेशानी है कोई?
जरूर थक गए होगे। मेरा घर बगल में ही है, चलिए वहां थोड़ा आराम कर लीजिए। हम यहाँ पर आराम करने नहीं आए, हम इस समय ड्यूटी पर हैं और अकेले नहीं हैं। तुम्हें हमारे साथ चावड़ी चलना होगा। चांदोरकर साहब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और बहुत नाराज हैं। लेकिन साहब बात क्या है, आप इन सिपाहियों के साथ किसी को गिरफ्तार करना है क्या? इतने भोले मत बनो गणपत। क्या तुमने अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि हम यहां पर जांच करने और संभवतः तुम्हें गिरफ्तार करने आए? मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है साहब? तुम्हारे खिलाफ गबन की शिकायत दर्ज कराई गई है और तुम पर यह आरोप तुम्हारे ही साड़ू सुशील कुमार ने लगाए। क्या? नहीं साहब, यह झूठ है। असल में सुशील कुमार मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके मुझे बदनाम कर रहा था साहब। मैंने उस पर जुर्माना भी लगाया है। सच और झूठ की जांच होगी। चावड़ी में इस मामले की पड़ताल करेंगे हम, और अगर तुम पर लगाए हुए आरोप सही साबित हुए तो तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तुम जाकर कुलकर्णी सरकार को सूचित करो कि वो शीघ्र ही चावड़ी पहुंचे। शिरडी का मुखिया होने के नाते इस जांच के दौरान उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। तुम जाकर भाई बहनों को चावड़ी लेकर आओ। जी। साई बाबा, ये कैसी मुश्किल है। मैं सब सहन कर सकता हूँ लेकिन बदनामी नहीं। मेरे ईमान पर, चरित्र पर उंगली उठाई गई है जबकि मैं निर्दोष हूँ। मुझे अपनी निर्दोषता साबित करने में मेरी मदद कीजिए बाबा।